थोड़ी देर पहले बाहर बारिश हो रही थी और पता नहीं क्यों आज मेरे को कॉफ़ी और बिस्किट खाने का मन किया। तो ये अपना ब्लैक कॉफ़ी साथ में 2020। तो और बताओ क्या हाल चाल है। आज बहुत दिन बाद थोड़ा सा वर्कआउट किया, थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते फेंट होने लग गया था, दिमाग ऐसा घूमने लग गया था, इसलिए लास्ट में मैं ऐसा लेट गया था। तो वैसे अभी नहा धो के अपन रेडी है, बाल थोड़ा सुखाएंगे। अरे भाई इसका ना ये कम्युनिकेशन करता है, पता है यहाँ एक मुर्गा है और ना वो मोहल्ले के स्टार्टिंग में एक मुर्गा है, तो दोनों ना आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो आजकल इसका मैसेज मतलब ये मैसेज कर रहा है, वहाँ से सीन हो रहा है बट रिप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये बार बार चिल्लाता रहता है। अभी बाल में बोलने नहीं देगा, तो अभी बाल में तेल लगाएंगे थोड़ा सा सूख जाए, तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ फिर ऑफिस चलते हैं। अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, आज सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, काम भी हुआ, मज़ा भी हुआ, सब हुआ, क्योंकि आज सैटरडे था। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, कोई हल्ला नहीं करेगा। आज सैटरडे था, आज मैं अपना टिफिन जैसा लेके आया था वैसा ही वापस ले जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को लंच पोस्ट मास्टर ने कराया मस्त वेज बिरयानी तृप्ति से। भाई आज इज्जत बढ़ गया वेज बिरयानी के लिए, वेज बिरयानी होता है, पुलाव नहीं होता है, पुलाव अलग चीज़ है। आज सुबह मम्मी ने बोला था कि वो नाश्ता भी कुछ अलग कुछ डिफरेंट बनाएगी, तो अभी घर जाऊंगा तो शायद नाश्ता भी कुछ डिफरेंट बना होगा, दिखाता हूँ। मम्मी ने बोला था कुछ स्पेशल बनाएगी, बट आके मेरे को मेरा ही टिफिन खाना पड़ा। इसके पीछे का भी रीज़न है, हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तो मम्मी वो स्पेशल चीज़ क्यों नहीं बना पाई उसका रीज़न मम्मी खुद देगी, तो सुनो। नमस्ते, आज मैं अच्छा मस्त तैयार वैयार हुई थी, ये दही लूट वूट है इसलिए थोड़ा खुश थी, इधर उधर दही लूट वूट हो रहा था तो ठीक है। मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई, थोड़ा बैठी तो वो फ्रेंड मेरे को बोली कि देखो यहाँ कोई साउथ इंडियन है जो सहेली लोग के साथ तालाब में गई थी तो डूब गई। तो मैंने उनको बोला ये क्या बात हुआ, सहेली लोग के साथ तालाब में गई डूब गई, तो सहेली लोग कुछ नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड बोली वही तो देखो, मैं बहुत पुराना एक बात बता रही थी, जब छोटी थी छठ होता है बिहारी जो है बिहार के जो है प्रांत के जो है छठ होता है, तो हमारे इधर एक बड़ा बीएसपी एरिया में एक तालाब है सेक्टर 2 बोलते हैं, उस तालाब में सब छठ के लोग जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही मेरा छोटी थी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है। एक बार मैं गई तो सुबह 4 बजे की बात है और शाम को 2 टाइम होता है, आप लोगों को मालूम नहीं होगा छठ का। सुबह 4 बजे गए उठे तो एक औरत बीच में से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, कोई कुछ नहीं, सब खड़े होके भीड़ जमा के देख रहे हैं, देखते देखते तो वो औरत डूब जाएगी। दूसरी औरत ने कैसा हिम्मत दिखाया, उतनी भरी महफिल में अपना साड़ी निकाल दिया, साड़ी निकाल के अपने कमर में बांधी और एक छोर ईटा डाल के उसको दे मारी। वो उस ईटे को बोले पकड़ लो, तो उसने उस ईटे को पकड़ लिया और सब मिलके खाली वो औरत नहीं, सब मिलके उसको खींच के बाहर निकाल, हो गया अच्छा बात। तो मैं यही बात अपनी फ्रेंड को बता रही थी, ऐसा कुछ कर दे तो वो लेडीज बच जाती। फिर हम लोग बैठे, हम फिर अपने घर वापस आ रहे तो देख रहे कॉलोनी में भीड़ 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 भीड़। हमने पूछा क्या है, तो एक दीदी बोली कॉलोनी की लेडीज, अरे फलाना मर गया, डेथ हो गया। मैं बोली कैसे, तो बोलती है शिवनाथ पे डूब गई, वो बाढ़ है, यहाँ एक शिवनाथ नदी है बहुत बड़ा है तो बाढ़ में डूब गई। मैंने बाढ़ में डूब गई ये कैसा बात हुआ, बोल के मैं आगे गई तो बॉडी देखी, मेरा इतना हेडेक हो गया उसी जगह में, इतना हेडेक हो गया कि मैं उल्टे उल्टे कदम से वापस आ गई।
उसी लेडीज को मैं कल मॉर्निंग वॉक करके जब मैं रिटर्न आ रही थी तब मैं उसी लेडीज को देखी नहीं, वो लेडीज मेरी नेवर थी, पड़ोसी थी। उसने मेरे को बोला, भाभी आप तो बहुत दुबली पतली हो गए हैं। मैंने मजाक से उससे कहा, तुम तो अच्छी खासी मोटी हो गई हो। तो हंसने लगी, उसका कहाँ जा रही है? तो बोले, मैं तो बाबू को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। बस हम लोग वापस आ गए। और आज जब उसका बॉडी देखी, मैं वही ड्रेस पहनी हुई थी, बताइए हेडेक होगा नहीं? तब मैं इतना हेडेक हुआ, जो मेरा बेटा भी शिकायत कर रहा है आप लोगों से कि मेरे लिए स्पेशल कुछ बनाने आई थी, मैं खाना तक नहीं खाई आज, लंच भी नहीं किया आके। वो मेरी उम्र की नहीं थी, बहुत ही हल्की उम्र की लड़की थी, छोटा सा उसका 8-10 साल का बच्चा होगा लड़का। बताइए पेरेंट्स किस तरीके का डिसीजन लेते हैं। अब उस बच्चे का 8-10 साल से शुरू हो गया स्ट्रगल। अब वो कितने बड़े जिसमें वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, कौन उसको सहारा देगा, क्या होगा? उसका मामा है, बहुत अच्छा है उसका मामा, पर सब अपने अपनी जिंदगी में अपने अपने इसमें बिजी हो जाते हैं। उसका पापा भी नहीं है बच्चे का। तो यही है जो मेरा बेटा शिकायत कर रहा है, स्पेशल नहीं बनाई मम्मी, स्पेशल नहीं बनाई। कल संडे है, कुछ बनाऊंगी। और वो तो स्पेशल ऑलरेडी लंच बाहर से रेस्टोरेंट से करके आया है। उसका स्टाफ कोई उसको बिरयानी, वेज बिरयानी वगैरह खिला दिया, तो मैं बना ही रही थी, तो बोला नहीं मैं अपना लंच ही खा लू। आज बहुत दुख लगा मेरे को, तो ये सब चीज़ें बहुत फील होता है, बहुत ही ज़्यादा फील होता है। तो बेसिकली उन्होंने सुसाइड किया है। तो अभी 10 बजने वाला है और मैं और मम्मी बैठ के अभी एक पिक्चर देख रहे हैं। थोड़ा पॉलिटिकल पिक्चर है, पॉलिटिक्स है उस पिक्चर में। और ये बैठ के ना हम बात करते हैं, ऐसा अगर रियल लाइफ में होता तो कितना अच्छा हो जाता, कितना अच्छा होता, ये होता तो कितना अच्छा होता। बट वो जो चीज़ें पिक्चर में है वो रियल लाइफ में कभी नहीं हो सकता। और जो वीडियो से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि चलेगा, वही वीडियो अच्छा चल जाता है, मतलब थोड़े व्यूज उसमें ज़्यादा आ जाते हैं, पता नहीं ये क्या होता है। तो आज का मामला बस यही ख़त्म, मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन शो सम लव टू एवरीवन, और वीडियो को लाइक करके जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।